तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, सत्य प्रेम की कथा एंड आज उसका एडवांस बुकिंग, हमारा ये थर्ड एपिसोड है भाई जाने वाला। गाइस, अभी तक कितनी हुई है एडवांस बुकिंग एंड गाइस किस किस को इसने वीट किया है एंड डे नंबर वन में गाइस कितनी ओपनिंग लेती हुई हमें नज़र आ सकती है। वट गाइस, आप यहाँ पे शॉकिंग रहने वाले हैं गाइस। सीरियसली, जब हमने लास्ट बार इसके रिलेटेड एपिसोड डाला था तब मैंने आप सभी को बताया था एडवांस बुकिंग, लेकिन गाइस तब से लेके अभी तक गाइस हाई जंप हमें देखने को मिला है। बट गाइस, माइंड में यार क्वेश्चन क्रिएट होता है यार, क्यों कार्तिक आर्यन आप ये शहजादा रीमेक करते हो एंड क्यों अल्लू अर्जुन बनने की मतलब कोशिश करते हो? यानी देखो, आप किसी और का जैसा बन ही नहीं सकते एंड अब अगर आप इतनी अच्छी मतलब पब्लिक आपको यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है ओरिजिनल में, तो क्या यार कहाँ पे घुस जाते हो आप? बात करने वाले से गाइस की कितनी एडवांस हो गई फुल डिटेल्स के साथ, उसके पहले आप सोचो छोटे से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले शोज़ पर नजर आते हैं। देखो, शोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शोज़ मिलेंगे तो गाइस क्रशर इंक्रीज देखने को हमें मिलेगा। देखो, NCR में 801 शोज़ गाइस, सीरियसली गाइस, मॉर्निंग में ओनली 400 समथिंग शोज़ और अभी 801 शोज़ गाइस। देखो यहाँ पे तो 100% जंप गाइस एंड यहाँ पे 13 शोज हैं गाइस वो टोटली फुल हो चुके हैं। देखो, 800 शोज में 13 शोज कुल मतलब कुछ भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी गाइस कार्तिक आर्यन अभी क्या है यार, अभी तो आने वाला टाइम है ये सुपरस्टार बनेगा बंदा, मेरे को टैलेंट दिखता है बंदे पे एंड उसमें 19 शोज है वो फीलिंग फास्ट चल रही है और क्वेंसी गाइस केवल फोर, क्योंकि यार यहाँ पे शोज है वो काफ़ी ज़्यादा इसको दिए गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मुंबई यहाँ पे लगभग 900 शोज है गाइस, मुंबई के अंदर 900 शोज, वो भी गाइस यहाँ पे कार्तिक आर्यन, बिलीव नहीं होगा फिर भी लिए हैं भैया एंड यहाँ पे शहजादा जैसा ही जाती हुई नज़र आ रही है एंड उसमें से 23 शोज है वो टोटली फुल हो चुके हैं, उसमें 20 शोज है फिलिंग फास्ट है एंड यहाँ पे ओकवंसी देखो फो है। चलो, मुंबई हो गया, NCR में लगभग सेम है, थोड़ा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुणे 330 शोज, अहमदाबाद 375 शोज हैं, 4 शोज यहाँ पे फुल, 10 शोज फिलिंग फास्ट। चेन्नई 52 शोज गाइस, उसमें से 5 शोज है वो फुल है और 3 शोज है फीलिंग फास्ट गाइस, वो भी चेन्नई के अंदर, वो भी कार्तिक आर्यन गाइस, क्या हो रहा है ये? थोड़ा मैंने बिलीव नहीं हो रहा है मेरे को, और 18% ऑक्युपेंसी भैया, 50 शो चलो भी चेन्नई में कौन देखेगा, लेकिन फिर भी गाइस वही तो बात आती है, चेन्नई में कौन देखेगा, फिर भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स गाइस, सीरियसली वो भी कार्तिक आर्यन को गाइस, इनकी जगह पे कोई और सुपरस्टार होता तो हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते थे। देखो, मैं इनको कम नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी पब्लिक बोलती है यार अभी थोड़े कम है, अभी ये बनेंगे सुपरस्टार, मेरी नज़रों में बनेंगे, लेकिन फिर भी यार थोड़ा ट्रस्ट कम होता है। एंड यहाँ पे देखो गाइस, तो एडवांस बुकिंग गाड़ी वो कहाँ तक पहुँची है जो मेन पॉइंट है गाइस, तो एडवांस होके बताऊँ उससे पहले गाइस, जो शहजादा की फर्स्ट डे के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी उसको गाइस इसने बीट कर दिया है, यानी उसकी थी 1.60 करोड़ गाइस और इसकी हो चुकी है 1.85 करोड़। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, एक रोमांटिक मूवी, एक लव स्टोरी मूवी को 1.85 करोड़, वो भी कार्तिक आर्यन को गाइस, थोड़ा माइंड में सोचो। यहाँ पे अभी हाल ही में जो रिलीज मूवी हुई है जरा हटके जरा बच के ले लो, वो भी गाइस यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी एंड उसके बाद में बात करूँ केरला स्टोरी गाइस, वो भी डे नंबर वन में उसकी इतनी एडवांस बुकिंग नहीं हुई थी। चलो, उसने फिर भी क्या बताऊँ, सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी गाइस 1.85 टिकट्स की बात करूँ, 59,000 टिकट्स हैं गाइस, वो इसके सोल्ड आउट हैं गाइस, वो अभी तक हो चुकी है एंड 54-55 समथिंग यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हुए थे शहजादा के गाइस, उसको गाइस ने वीट कर दिया। अब नेक्स्ट टारगेट है गाइस यहाँ पे बोला 2.35 करोड़ ने फर्स्ट डे के लिए गाइस एडवांस बुकिंग की थी एंड मे बी गाइस ये उसको वेट कर सकती है जब हम सुबह डिस्कशन कर रहे होंगे इसके रिलेटेड। एंड गाइस, बाकी क्या हुआ मैं थोड़ा यहाँ पे आपको नेशनल चेंज के अंदर बताऊँ। देखो, ऐसे नेशनल चेंज के अंदर अभी इसकी रिपोर्ट वो निकल के सामने तो नहीं आई है, लेकिन गाइस मुझे लगता है यहाँ पे 45-50,000 टिकट्स हैं वो इसके नेशनल चेंज के अंदर गाइस सोल्ड आउट हैं गाइस, वो हो सकते हैं, जो कि 30,000 टिकट्स तो लगभग इसके 27 समथिंग मैंने लास्ट बार जब आप सबको बताया था तब इसके सोल्ड आउट हैं गाइस वो हो चुके थे। एंड यानी ये वीट किस किस को कर सकती है? देखो, राम सेतु को ये वीट कर देगी, उसके लगभग 39 के थे मेरे को लगता है, अभी हुआ नहीं है, बोला कि 36 गाइस मेरे को लगता है वीट कर देगी, अभी हुआ नहीं है। एंड उसके बाद गाइस रक्षाबंधन 35, बीडिया को ये वीट कर देगी, बीडिया का तो इसने अभी भी वीट कर दिया होगा। केरला स्टोरी 32 उसको वीट कर देगी, सर्कस 31, यानी गाइस सभी को धूल चढ़ा दी। देखो गाइस, अगर मैं इस साल की बात करूँ गाइस तो इसके पास बचती है केवल पठान,
तू जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तू जुट्ठी में मकार एंड उसके बाद किसी का भाई किसी की जान, जो कि तू जुट्ठी में मकार लगभग 73,000 टिकट उसके सोल्ड आउट हुए थे नेशनल चैंट्स के अंदर गाइस। भाई यार इसके कितने हुए थे, 59-58 समथिंग कुछ शोज थे। एंड गाइस इसकी फाइनल रिपोर्ट है वो आएगी समथिंग कुछ 45-50,000 टिकट्स हैं वो उसके सोल्ड आउट हुए होंगे नेशनल चैंट्स के अंदर। बाकी जितने मैंने आप सभी को नाम बताए जाने उनको ये वेट है वो कर देगी। तो बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी क्या लगता है गाइस आप सभी को कितनी एडवांस बुकिंग जाएगी? गाइस मुझे लगता है 2.5 करोड़ के आसपास रहने वाली है, एंड अगर 2.5 करोड़ के आसपास जाएगी तो गाइस 10 करोड़ के आसपास ही अपने डे नंबर वन में गाइस बॉक्स ऑफिस में हमें क्वेश्चन करती हुई नजर आएगी, यानी कि कार्तिक आर्यन थर्ड टाइम 10 करोड़ प्लस गाइस ओपनिंग लेंगे। एंड गाइस अगर इतना लेती है गाइस तो 4 दिन का वीकेंड है छुट्टियां वाला, लेकिन गाइस मुझे लगता है 40 करोड़ तो ये इजीली क्लेश कर लेगी नेट में, यानी 70 करोड़ तो हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो मान सकते हैं, यानी मूवी अपने वीकेंड में गाइस हिट हो जाएगी और क्या चाहिए बंदे को। एंड पिछली मूवी भैया फ्लॉप देखे आया बंदा, बिलीव नहीं होगा। चलो गाइस बाकी मॉर्निंग में हम 6-7 बजे डिस्कशन करेंगे इसके रिलेटेड, बाकी 11-12-1 बजे तक इसका रिव्यू भी आ जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आ जाएगा गाइस, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। तो बाकी गाइस सभी के लिए तो इतना ही, बाकी आप मतलब आप सभी का क्या इसके रिलेटेड कहना बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए।